गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सो हैप्पी रिपब्लिक डे। सो लास्ट टॉपिक जो हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फर्टिलेशन, कि जिसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलेशन के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के रिवीजन का थर्ड डे, एंड इस थर्ड डे में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फर्टिलेशन कि जो डेवलपमेंट कैसे होता है। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ गूगली क्वेश्चन। सो आप मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। यस, सो गुड इवनिंग ऑल। सो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। आई होप कि सबको डेवलपमेंटल बायोलॉजी समझ में आ रहा होगा, सबके अच्छे से रिवीजन भी हो रही होगी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सो इसका आंसर क्या है? तो देखिए, कौन से टाइप का एग्जाम्पल हमें पूछा है, एंड ये जो एग्जाम्पल है इसमें उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला में जो बैक सेल्स है वो नॉर्मली बैक सेल्स ही बनाते हैं अगर नॉर्मल डेवलपमेंट है, बट अगर उसको हम बेली रीजन में ट्रांसफर करें तो बेली रीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब फेट जो है वो चेंज हो रहा है। एंड जब भी फेट चेंज होता है तो इस टाइप के स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं। तो अगर बैक रीजन में सेल्स है तो बैक फॉर्मेशन करते हैं, बैक के सेल्स बनते हैं, एंड बेली रीजन पे ट्रांसफर करते हैं तो बेली रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, कि जहां पे फेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो करेक्ट है। सो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल ग्रेटर होती है प्रोस्पेक्टिव फेट से। ओके, सो वेरी गुड। नाउ आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस कि जो भी स्टूडेंट गेट के लिए स्टडी कर रहे हैं, गेट के लिए हमारे बायोप्रोसेस के स्पेशल वीक चल रहा है कि जिसमें बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं, एंड इसमें हमारे ऋषभ सर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग के ले रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए एंड उसका बेनिफिट लीजिए। आपके जो डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे बायोप्रोसेस रिलेटेड, वो आप ऋषभ सर से पूछ सकते हैं एंड उन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सीरीज आप ही के लिए चलाई गई है, एज वेल एज स्टूडेंट ने ही बोला था कि बायोप्रोसेस के लिए हमें लेक्चर सीरीज चाहिए लास्ट रिविजन्स के लिए। तो ये आप ही के लिए सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, तो आप उसका जरूर बेनिफिट लीजिए। एज वेल एज लास्ट, दैट इज ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि आज ही के दिन ये अपॉर्चुनिटी आपकी खत्म होगी। वैलिडिटी जो है वो 26 जैन है, एंड आज ही 26 जैन को ये वैलिडिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल, जो भी स्टूडेंट को लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल परचेस करना है वो अभी ऑर्डर करे, क्योंकि ये ओनली 6999 में आपको मिल रहा है, कि जो कि बहुत कम टाइम आपको वो, मतलब इतने कम प्राइस में स्टडी मटेरियल मिलता है। अदरवाइज स्टडी मटेरियल की प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। तो देखिए, इस जो भी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए एंड जल्दी से जल्दी स्टडी मटेरियल ऑर्डर कीजिए। तो लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल जो है वो 6999 रुपीज में ही मिल रहा है, एज वेल एज बाकी टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज का बेनिफिट लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी किया है। तो आप भी जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, देखिए 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल रही है, एंड 99 रुपीज में सारे टेस्ट जो CSIR लाइफ साइंस के, एज वेल एज
आगे के टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के, एज वेल एज लाइफ साइंस की, एज वेल एज आईआईटी जैम बीटी की टेस्ट सीरीज। तो सीएसआईआर नेट है, आईआईटी जैम है, एज वेल एज गेट है, सारे कोर्सेज की जो टेस्ट सीरीज है ये ओनली 99 रुपीज में मिल रहा है। ये आपको जो अपॉर्चुनिटी है ये बाद में कभी नहीं मिलेगी। जो भी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन टेस्ट को देके देखना है, वो 99 रुपीज में इन टेस्ट सीरीज को ले ले, उसको अटेंड कर ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी एंड आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड उसके साथ आपको वीडियो डिस्कशन भी मिलने वाले टेस्ट सीरीज के। तो जल्दी से जल्दी, जो भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज नहीं लिए वो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ले। एंड उसके साथ आईआईटी जैम का जो कोर्स है, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो कोर्स है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स ओनली 499 रुपीज में। तो ये 499 रुपीज में आप कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। एंड टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बताया है कि इतनी कम फीस में कभी भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होगी। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का जरूर बेनिफिट ले। सो स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन। एंड आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था इंटरनल फर्टिलेशन, एंड इंटरनल फर्टिलेशन में हमने स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी तक देखा था, करेक्ट। सो इंटरनल फर्टिलेशन में जो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, तो जैसे ही स्पेसिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, तो स्पेसिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बाद देर इज द स्पर्म मूवमेंट थ्रू द जोना पेलुसिडा, कि जोना पेलुसिडा से स्पर्म मूव करता है। जो भी फर्स्ट स्पर्म इंटरेक्ट करेगा वो फर्स्ट स्पर्म जो है वो एंटर होगा, एंड ये आगे जाके वो जो है वो आगे जाके फ्यूजन करेगा। तो फर्स्ट स्पर्म जो है वो उसको एंट्री दी जाएगी, एंड फर्स्ट स्पर्म को वहां पे आगे जाके उसको फ्यूज किया जाएगा। तो जो फ्यूजन होता है वो जोना पेलुसिडा के आगे मेम्ब्रेन के साथ होता है, एंड ये जो मेम्ब्रेन है स्पर्म सेल मेम्ब्रेन फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन फ्यूजन इट रिक्वायर्ड इज्मो एंड जूनो इंटरेक्शन। तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, इसके ऊपर अप्लाइड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन विट्रो में हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इंटरेक्शन को इन व्यू में कैसे कर सकते हैं। तो इज्मो एंड जूनो ये प्रोटीन से, एंड ये दोनों इंटरेक्ट करते एंड ये फ्यूज होते ईच अदर। तो यहाँ पे इज्मो स्पर्म एक्रोसोमल मेम्ब्रेन पे होता है, एंड जूनो एग माइक्रोवेलाई पे होता है। एंड अगर सपोज अगर इज्मो जूनो में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद सेल फ्यूजन अफेक्ट होता है, यहाँ पे स्पर्म एंड एग का फ्यूजन नहीं होता है। देन ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में हमने डिस्कस किया था कि फास्ट ब्लॉक ये अब्सेंट होता है मैमल्स में इंटरनल फर्टिलेशन में, स्लो ब्लॉक इट इज प्रेजेंट, एंड स्लो ब्लॉक विच इज द परमानेंट ब्लॉक विच इज मेडिटेड बाई कैल्शियम आइंस। तो यहाँ पे भी कैल्शियम जो रिलीज किए जाते हैं, स्पर्म हेड में एक एंजाइम होता है इसे फॉस्फोलाइपेसिस जीटा बोलते हैं। तो विद इन स्पर्म हेड जो एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेसिस जीटा, ये एक साइटोसोल में रिलीज किया जाता है, एंड ये फॉस्फोलाइपेसिस जीटा PIP2 को क्लीव करता है, देन IP3 डैग बनते हैं। IP3 यहाँ पे कैल्शियम रिलीज करवाता है, एंड कैल्शियम रिलीज होने के बाद कैल्शियम साइटोसोल में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस करवाता है। तो ये हमने यहां तक कल डिस्कस किया था कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस होगा, एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस के बाद फिर आगे देयर इज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में एक प्रोटीज होता है ओवेस्टेसिन, एंड ये जो ओवेस्टेसिन है ये ओवेस्टेसिन ये रिमूव करता है ZP2 प्रोटीन्स को, ZP2 रिसेप्टर जो स्पर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको रिमूव करता है। एंड जैसे ही ZP2 रिमूव होते हैं यहाँ पे स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है। तो दिस इज द फर्स्ट की स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में ओवेस्टेसिन इट रिमूव द ZP2 प्रोटीन्स। अगर ओवेस्टेसिन में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ओवेस्टेसिन नहीं रहा, तो पॉलीस्पर्मी होगा, एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो
एक के साथ फ्यूज करते। देन सेकेंड होता है जिंक स्पार्क, तो ये ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में और एक देखा जाता है जिंक स्पार्क, कि जो जिंक रिलीज किया जाता है एंड ये जिंक डिपोजिशन होता है जोना पेलुसिटा के ऊपर। ये जो जिंक का डिपोजिशन है इसे जिंक शील्ड फॉर्मेशन बोलते हैं, जो जोना पेलुसिटा के ऊपर होती है। एंड जैसे जिंक का डिपोजिशन होता है ये भी एक स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का ही टाइप है। एंड थर्ड जूनो प्रोटीन्स, जूनो प्रोटीन्स को भी रिमूव किया जाता है। एंड जूनो प्रोटीन से यहां पे जूनो प्रोटीन जैसे रिमूव होंगे तो आगे कोई भी स्पर्म एक के साथ फ्यूजन नहीं कर सकता। तो ये तीनों भी चीजें देखी जाती है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में, ओवेस्टेसिन रोल, देन जिंक स्पार्क एंड द जूनो प्रोटीन रिमूवल। तो ये तीनों भी स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में होता है। श्रवण, एक्सोसाइटोसिस मतलब जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल साइटोसोल में वो अपने में से मटेरियल बाहर ये कर देते हैं, डंप कर देते हैं। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज होते हैं एंड अपने में से मटेरियल जो है उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इन बिटवीन स्पेस जो जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्पेस है उसमें ऐड करते डाल देते, इसे एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। Then here this is called as the slow block to polyspermy and उसके बाद फिर जैसे ही कैल्शियम साइटोसोल में आता है पहले मियोसिस रिजम्पशन होता है, मतलब मियोसिस फिर से एक्टिवेट होगा एंड एक अपनी मियोसिस कंप्लीट करके लेगा, एक जैसे मियोसिस कंप्लीट करता है देन स्पर्म एग एंड स्पर्म का न्यूक्लियस एंड एग का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं। एंड फ्यूज होने के बाद भी यहाँ पे जो फ्यूजन होता है या फ्यूजन के बाद जो ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन होती है, दैट ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन दैट इज ऑब्जर्व एट टू सेल स्टेज, कि टू सेल स्टेज में ही ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन ऑब्जर्व होती है मैमल्स में। बट सी अर्चिन में जो हमने देखा था, सी अर्चिन में ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन दैट इज ऑब्जर्व इन द सिंगल सेल स्टेज, तो ये सिंगल स्टेज सेल स्टेज में होती थी, यहाँ पे टू सेल स्टेज में ट्रू डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व होती है। तो ये हुआ हमारा मैमल्स का फर्टिलेशन जो हमने डिस्कस किया। ओके नाउ अभी हम आफ्टर फर्टिलेशन की बात करेंगे कि आफ्टर फर्टिलेशन जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज द क्लीवेज प्रोसेस। नाउ क्लीवेज ये मेजरली कि जो रैपिड सेल डिविजन्स होते, सो क्लीवेज में अगर एनिमल्स में हम देखें तो रैपिड सेल डिविजन्स होते एज वेल एज यहां पे रैपिडली सेल डिविजन्स होते एज वेल एज देर इज द ड्यूरिंग क्लीवेज नो सेल ग्रोथ, कि सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है ड्यूरिंग क्लीवेज, तो यहां पे सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। एंड माइटोटिकली ये सेल्स जो है वो डिवाइड होते चले जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली माइटोटिकली सेल्स का डिविजन होता है, इसे हम क्लीवेज बोलते हैं। नाउ अभी यहां पे एक जैसे हम डिस्कस करें तो क्लीवेज ये डिफरेंट टाइप से देखा जाता है। सो क्लीवेज विच इज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे क्लीवेज विच इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, तो ये जो दो फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है, एक तो अमाउंट ऑफ योक, कि योक कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सो अमाउंट ऑफ योक विच इज प्रेजेंट, एंड सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में ये क्लीवेज डिपेंड्स होता है। नाउ मेजरली अगर हम अमाउंट ऑफ योक देखें, सो अमाउंट ऑफ योक में क्लीवेज कैसे डिपेंड है, तो ये दो मेजर फैक्टर्स है कि जिसके ऊपर क्लीवेज जो है वो
प्रेजेंट होता है। नाउ देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ योक मतलब योक ये बैरियर होता है क्लीवेज के लिए, सो योक विच इनिबिट क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन, ये क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन इनिबिट करता है एंड इसलिए योक इज द बैरियर फॉर क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन एंड इसलिए जितना ज्यादा योक होगा उतना क्लीवेज जो है वो अफेक्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ योक के बेसिस के ऊपर अगर हम क्लीवेज देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्लीवेज होते हैं ऑन द बेस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, दैट इज वन इज द कंडीशन आइसोलिसाइथल क्लीवेज कंडीशन, सेकेंड होती है मीसोलिसाइथल एंड थर्ड कंडीशन इज द मैक्रोलिसाइथल। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं, एक तो आइसोलिसाइथल, मीसोलिसाइथल एंड मैक्रोलिसाइथल। नाउ ये सिंपल है कि आइसोलिसाइथल मींस यहाँ पे लो योक होता है, बहुत ही कम योक होता है, स्पार्स होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड इसलिए यहां पे जो क्लीवेज होता है क्लीवेज इज द कंप्लीट और इसे हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज होता है, तो जब भी कभी योक बहुत कम है तो वहां पे हमेशा जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक मतलब कि कोई भी सेल हो वो जब भी डिवाइड होगी तो योग जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है एंड इसीलिए यहाँ पे आइदर क्लीवेज एक्सिस पैरेलल भी हो सकता है बट वो थ्रू आउट एग होगा एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, इट मे बी परपेंडिकुलर हो सकता है, वो भी इक्वल होगा कंप्लीट सेल डिवाइड करेगी और इट में भी वो क्लीवेज एक्सिस जो है वो ऑब्लिक भी हो सकता है। तो ये इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज कि कंप्लीट क्लीवेज फिर एक्सटेंड हो थ्रू आउट एग एंड एग को वो कंप्लीटली डिवाइड करे, तो दैट इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक। नाउ मीसोलिसाइथल यहां पे मॉडरेट योग होता है एंड ये जो योग है दिस इज वेजिटली लोकेटेड, योक वेजिटली लोकेटेड होता है मतलब वेजिटल साइड में होता है एंड ये जो कंडीशन होती है वो इस तरह से होती है, मतलब ज्यादा क्लियर योक नहीं है, कमी है, मतलब आइसोलिसाइथल से थोड़ा ज्यादा है बट योक क्या होता है डेंस होता है ना, इसलिए वो वेजिटली लोकेटेड होता है। सो दिस इज द योक कि जो हम वेजिटल लोकेटेड बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द मीसोलिसाइथल कंडीशन एंड मैक्रोलिसाइथल मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा योक है, हाई योक एंड अगर हाई योक होता है तो सिंपल यहाँ पे कंप्लीट क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे योक जो होता है इसे म्यूरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलते हैं, तो म्यूरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट बिकॉज यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशंस क्या होते हैं, या तो इस तरह से हो सकते हैं या तो इस तरह से होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, या तो योक होता है जो वेजिटल साइड में होता है या वो योक जो है वो सेंट्रल साइड में होता है एंड ये बहुत ज्यादा होता है एंड बहुत ज्यादा होता है तो क्लीवेज फ्यूरो एक्सटेंड ही नहीं हो सकता योक को एंड इसलिए यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो बहुत ही कम मतलब पार्शियल क्लीवेज हम इसे बोलते हैं, अनइक्वल क्लीवेज, इसे म्यूरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज बोला जाता है। सो दिस इज आइसोलिसाइथल, मीसोलिसाइथल एंड मैक्रोलिसाइथल क्लीवेज कंडीशन। जनरली जो आइसोलिसाइथल क्लीवेज है तो आइसोलिसाइथल क्लीवेज ये मेजरली जो प्रेजेंट होता है आइसोलिसाइथल क्लीवेज, दिस इज कंप्लीट क्लीवेज एंड इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसे हम बोलते हैं रेडियल क्लीवेज। सो आइसोलिसाइथल की जो होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज है इसे हम बोलते हैं रेडियल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज दिस इज द
एग्जाम्पल विच इज ऑकर इन द एम्फियोक्सिस एंड सी अर्चिन, की इकाइनोडर्मेटा में होता है सी अर्चिन एंड एम्फियोक्सिस, इनमें रेडियल क्लीवेज होता है एंड रेडियल क्लीवेज जो दिखता है अगर हम एम्ब्रियो में क्लीवेज देखें तो ये देखो ये एक सेल स्टेज है, ये दो सेल्स में क्लीवेज होगा क्योंकि फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो पैरेलल होता है, टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देन फिर से टू सेल्स इक्वली फोर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं ये इस तरह से, एंड फोर सेल्स इक्वली एट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये इक्वल क्लीवेज क्योंकि थर्ड क्लीवेज एक्सिस यहां पे भी क्लीवेज एक्सिस पैरेलल होता है, यहां पे भी पैरेलल होता है एंड यहां पे परपेंडिकुलर क्लीवेज होता है, तो जो सेल्स बनते हैं ये इस तरह से इक्वल साइज के सेल्स बनते हैं, एट सेल स्टेज जो हम सी अर्चिन में देखते हैं, तो ये इक्वल साइज सेल्स है। नाउ यहां पे ये सी अर्चिन एंड एम्फियोक्सिस में होता है, देन दूसरा जो क्लीवेज है दैट इज द रोटेशनल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज ये भी आइसोलिसाइटल के टाइप से, एंड ये जो आइसोलिसाइटल क्लीवेज के जो टाइप से इसमें रेडियल आता है देन रोटेशनल आता है। रोटेशनल क्लीवेज जो है फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जर्व इन द मैमल्स, मतलब हमारे इसमें जो क्लीवेज होता है वो रोटेशनल टाइप ऑफ क्लीवेज होता है, एंड सेकेंड निमेटोड, निमेटोड में जो क्लीवेज होता है दैट इज ऑल्सो मेजरली निमेटोड्स मतलब सी इलेगांस में ये क्लीवेज होता है, एंड यहां पे जो क्लीवेज एक्सिस होता है वो रोटेशनल होता है मतलब रोटेट होता है, सो दिस इज द क्लीवेज एक्सिस। ये फोर सेल स्टेज है, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द एट सेल स्टेज, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेज। तो ये हम मैमल्स में देखते हैं जैसे ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास का फॉर्मेशन, सो इनर सेल मास एंड ट्रोपोब्लास्ट, तो ये जो है वो इसे हम बोलते हैं रोटेशनल क्लीवेज। तो ये रोटेशनल क्लीवेज है कि जो प्रेजेंट होता है, एंड रोटेशनल क्लीवेज ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है कि जो स्लो रेट ऑफ डिवीजन होता है, अर्ली स्टेजेस में जायगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं, नॉन सिंक्रोनाइज्ड क्लीवेज होता है, सो दिस इज द रोटेशनल क्लीवेज। थर्ड आइसोलिसाइटल कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं स्पाइरल क्लीवेज, एंड स्पाइरल क्लीवेज का जो एग्जांपल है स्पाइरल क्लीवेज ये डायरेक्ट है कि यहां पे एनिलिड्स मोल्यूस्क में होता है, सो एनिलिड्स मोल्यूस्क, देन स्नेल प्लेटवॉर्म, इनमें ये स्पाइरल क्लीवेज जो है वो ऑब्जर्व होता है, एंड स्पाइरल क्लीवेज अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लीवेज एक्सिस जो होता है वो ऑब्लिक होता है, सो ऑब्लिक क्लीवेज एक्सिस होता है, तो ये इस तरह से एक सेल डिवाइड होगी तो फॉर्मेशन होंगे टू सेल्स, देन टू सेल्स डिवाइड होंगे तो फॉर्मेशन होंगे फोर सेल्स, तो ये इस तरह से फोर सेल बनते हैं, एंड फोर सेल्स डिवाइड होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एट सेल, सो ये इस तरह से एट सेल बनते, तो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इट इज कॉल्ड एज द स्पाइरल क्लीवेज। तो ये कंटिन्यूसली सर्कुलराइजेशन होता जाता है
एंड ये सर्कुलराइजेशन जो होता है ये स्पाइरल क्लीवेज है। यहाँ पे स्टीरियोब्लास्टुला कंडीशन होती है। स्टीरियोब्लास्टुला में जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल ब्लास्टोसिल कैविटी होती है या ब्लास्टोसिल कैविटी अब्सेंट होती है, तो इसे स्टीरियोब्लास्टुला कंडीशन बोलते हैं। एंड फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल क्लीवेज। एंड बायलैटरल क्लीवेज में मेजरली हम अगर देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिकेट्स के, ट्यूनिकेट्स में बायलैटरल क्लीवेज जो है वो ऑब्जर्व होता है। एंड बायलैटरल क्लीवेज इसका जो सिमेट्री होता है, दिस इज द वन सेल, तो जब एक सेल डिवाइड होती है तो दो सेल्स बनते हैं। देन यहां पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फोर सेल्स, देन फोर सेल्स दे फॉर्म इनटू द एट सेल्स, तो ये इस तरह से बनता है। एंड देन दिस इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से बायलैटरल पैटर्न जो है वो शो होता है बायलैटरल क्लीवेज में। सो दिस इज कॉल्ड एज द बायलैटरल क्लीवेज। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लीवेज जो है वो हम ट्यूनिकेट्स में देखते हैं, दैट इज द बायलैटरल। ये सारे आइसोलिसाइटल क्लीवेज के टाइप्स है। देन सेकेंड होता है दैट इज मीसोलिसाइटल। एंड मीसोलिसाइटल क्लीवेज में हियर देर इज द मीसोलिसाइटल कंडीशन, ये प्रेजेंट होती है फ्रॉग में। तो यहां पे मॉडरेट योक होता है, सो मॉडरेट अमाउंट योक। एंड मॉडरेट अमाउंट में योक है तो यहां पे एनिमल पोल पे योक नहीं होता, ये वेजिटल पोल पे होता है क्योंकि योक डेंस मटेरियल है तो ग्रेविटी की वजह से वो सेटल हो जाता है। सो योक प्रेजेंट इन द वेजिटल पोल। एंड अगर वेजिटल पोल पे योक है तो यहां पे जो क्लीवेज होता है इस क्लीवेज को हम बोलते हैं डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज। ये डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज का टाइप है जो प्रेजेंट होता है एम्फीबिया में। नाउ डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज में हियर जब भी सेल्स डिवाइड करते फ्रॉग में हम देखते, सो दिस इज इन द फ्रॉग फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टू सेल फोर सेल स्टेज एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द एट सेल स्टेज। तो ये इस तरह से एट सेल स्टेज बनती है फ्रॉग में, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द एम्फीबिया, कि एम्फीबिया में फ्रॉग में डिस्प्लेस रेडियल कंडीशन जो है वो और क्लीवेज ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे ऊपर के जो सेल्स है इनको स्मॉल सेल्स बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोमियर्स होते हैं स्मॉल साइज, एंड दीज आर द मैक्रोमियर, मीन्स डिफरेंट टाइप के सेल्स जो जनरेट होते हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स, ये दो टाइप के सेल्स जनरेट होते हैं। देन थर्ड कंडीशन इसे हम बोलते हैं मैक्रोलिसाइटल कंडीशन। मैक्रोलिसाइटल कंडीशन में मेजरली अगर हम देखें तो मैक्रोलिसाइटल हियर मैक्रोलिसाइटल कंडीशन यहां पे म्यूरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। So, high yolk concentration and high yolk होता है तो यहां पे yolk inhibit करता है cleavage फेरोफॉर्मेशन। So, here मीरोब्लास्टिक incomplete cleavage होता है। So, मीरोब्लास्टिक incomplete cleavage, तो ये जो मीरोब्लास्टिक incomplete cleavage है partial cleavage हम बोलते हैं। इसमें एक condition होती है टीलोलिसाइटल,
एंड टीलोलिसाइटल में यहाँ पे योग जो होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है वेजिटली लोकेटेड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है क्लीवेज का, इसे हम बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। एंड डिस्कॉइडल क्लीवेज दैट इज ऑब्जर्व इन एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश, क्योंकि बहुत ही ज्यादा योक होता है एंड योक इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, क्योंकि हाई योक कॉन्सेंट्रेशन एंड ये वेजिटल पोल पे होता है। तो जो भी करेक्ट मोनिका कि ये जो क्लीवेज होता है वो एनिमल पोल के ऊपर होता है यहां पे, एंड यहां पे जो क्लीवेज होता है इसे हम बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो यहां पे डिस्क शेप एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं। देन सो दीज आर द डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो इस तरह से डिस्क फॉर्मेशन होते हैं एंड ये जो डिस्क फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो ये एनिमल पोल मतलब जो जहां पे योक नहीं होता उसी जगह पे डिस्क फॉर्मेशन होते हैं। सो इस तरह से जो क्लीवेज होता है इसे हम डिस्कॉइडल क्लीवेज जो है वो बोलते हैं। सो दिस इज डिस्कॉइडल क्लीवेज। नाउ सेकेंड, यहाँ पे ये ब्लास्टोडिस्क फॉर्मेशन होता है एंड ब्लास्टोडिस्क फॉर्मेशन टुवर्ड्स द एनिमल पोल। देन सेकेंड कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोलिसाइटल। एंड जो सेंट्रोलिसाइटल कंडीशन है यहां पे सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। एंड जो सुपरफिशियल क्लीवेज है दिस इज एग्जांपल इन द इंसेक्ट क्लास, कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें सुपरफिशियल क्लीवेज होते हैं। एंड ये जो सुपरफिशियल क्लीवेज है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल साइड पे साइड योक होता है बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो सारे न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करते पेरिफेरल साइड में, एंड जब सारे न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में माइग्रेशन करते तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है अराउंड न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है दिस इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल क्लीवेज। तो इसे हम बोलते सुपरफिशियल क्लीवेज। देन ये हुआ इंसेक्ट में जो हमने ड्रोसोफिला में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड देन बायलैटरल क्लीवेज। सो बायलैटरल क्लीवेज एंड बायलैटरल क्लीवेज ये सिफेलोपोड मोलस्क में होता है, क्योंकि सिफेलोपोड मोलस्क सो दिस इज सिफेलोपोड मोलस्क। एंड ये जो सिफेलोपोड मोलस्क है इनमें इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है, इसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। तो ये जो क्लीवेज है तो ये इस टाइप से जो क्लीवेज होता है इसे हम सिफेलोपोड मोलस्क में क्लीवेज बोलते हैं। तो ये इनकम्प्लीट क्लीवेज है, इस तरह से वो दिखाई देता है इनकम्प्लीट क्लीवेज। सो दिस इज द क्लीवेज इन द सिफेलोपोड मोलस्क। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज जो मेजर रोल प्ले करते इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक होता है आइसोलिसाइटल जिसमें रेडियल, रोटेशनल, देन स्पाइरल एंड बायलैटरल क्लीवेज होता है। सेकेंड होता है मीसोलिसाइटल जिसमें डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज होता है। एंड थर्ड होता है दैट इज द
मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मैक्रोलिसाइटल जिसमें डिस्कॉइडल होता है एज वेल एज सुपरफिशियल होता है, एंड सिपेलोपोड मोल्स का क्लीवेज बायलैटरल। देन उसके बाद मेजरली जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में देर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, कि यहाँ पे थ्री जर्म लेयर्स डिटरमाइन किए जाते हैं। सो इन द गैस्ट्रुलेशन थ्री जर्म लेयर्स का डिटर्मिनेशन होता है। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखें एंड थ्री जर्म लेयर जो डिटर्मिनेशन किए जाते हैं, सो डिटर्मिनेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, इसमें एक तो एक आती है एक्टोडर्म, सो वन इज कॉल्ड एज द एक्टोडर्म, सेकेंड इज कॉल्ड एज मीसोडर्म एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म विच इज द आउटर जर्म लेयर, ये आउटर जर्म लेयर है, दिस इज द मिडल जर्म लेयर एंड दिस इज द इनर जर्म लेयर। तो ये डिफरेंट जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये जो जर्म लेयर्स होते हैं ये मेजरली डिफरेंट सेल्स जो है वो जनरेट करते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे एक्टोडर्म स्किन एज वेल एज नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन करता है, देन ऑयल ग्लैंड्स, देन स्वेट ग्लैंड्स, देन हेयर्स का जनरेशन, एंड ये डिफरेंट जो एक्टोडर्म का मेजर रोल होता है। देन सेकेंड मेसोडर्म जो होता है, मेसोडर्म में मेजरली देर इज द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मसल, देन बोन्स एज वेल एज नोटोकॉर्ड, ब्लड सेल्स। तो ये सारे जो भी मीसोडम ओरिजिन से होता है, एज वेल एज जो एंडोडम्स होते हैं, एंडोडम का फॉर्मेशन है इनर जर्म लेयर जिसमें ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन सम इनर ऑर्गन एज वेल एज लंग्स का फॉर्मेशन है, मतलब गट एंड गट से रिलेटेड जो भी सारे ऑर्गन से वो सारे एंडोडर्म से बनते हैं। एंड वन मोर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गोनेट्स, एंड गोनेट्स में जर्म सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है, एंड ये जो जर्म सेल्स है दैट जर्म सेल्स दे प्ले मेजर रोल इन द कि ये गोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड गोनेट्स में फिर आगे जाके जर्म सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में एक तो होता है स्पर्मेटोगोनियम, एंड स्पर्मेटोगोनियम आगे जाके जो भी सिंथेसिस करेगा स्पर्म इन द टेस्टिस, एंड ओगोनियम आगे जाके सिंथेसिस करेगा एग इन द ओवरी। सो दिस इज द जर्म सेल्स के जो गोनेट्स में आगे जाके फिर गैमेटोजेनेसिस करेंगे। तो ये हमने गैस्ट्रुलेशन का मेजर रोल देखा कि गैस्ट्रुलेशन में डिफरेंट जर्म लेयर्स जैसे एक्टोडर्म है, मीसोडर्म है, एंडोडर्म का डिटर्मिनेशन किया जाता है, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो आउटर जर्म लेयर का, इनर जर्म लेयर का एंड मिडल जर्म लेयर का। ओके, नाउ उसके बाद एनिमल्स में डिफरेंट सेल मूवमेंट्स होते हैं। तो जैसे हम सेल मूवमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट्स होते हैं। एक जो होती है दिस इज कॉल्ड एज इनवेजिनेशन। तो इनवेजिनेशन जो भी सेल मूवमेंट होती है, यहां पे इनफोल्डिंग होती है सेल शीट का, तो इनफोल्डिंग सेल शीट इनटू एम्ब्रियो,
एंड ये जो इन फोल्डिंग सेल शीट की होती है ये इस तरह से दिखती है। तो इस टाइप का अगर सेल मूवमेंट हो कि जहां पे इन फोल्डिंग हो सेल शीट की एंड इसमें मेजर रोल जो एग्जांपल है, एग्जांपल सिर्फ आपको याद रखना है, दैट इज एंडोडर्म सेल्स, कि एंडोडर्म सेल्स सी अर्चिन में इन फोल्डिंग करते सेल शीट की एंड दिस इन फोल्डिंग इज कॉल्ड एज द इन वेजिनेशन। तो कंप्लीट सेल शीट अगर इनर साइड में इन फोल्ड हो एंड ये माइग्रेशन करे तो उसे हम इन वेजिनेशन बोलते हैं, कि इन वेजिनेशन में इन फोल्डिंग होती है सेल शीट के। सेकेंड होता है इनवोल्यूशन, इनवोल्यूशन में यहां पे इन टर्निंग होती है, सो इन टर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर बेसल सरफेस, सो ओवर बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। एंड यहां पे जो इन टर्निंग होता है, इन टर्निंग किस में देखा जाता है, तो ये इस तरह से होते हैं, ये हम फ्रॉग में देखते हैं इनवोल्यूशन। तो ये आउटर सरफेस है एंड आउटर सरफेस से इनसाइड सेल्स माइग्रेशन करते इस तरह से। तो इस तरह से अगर माइग्रेशन करें, मतलब ऐसे निकले और ऐसे ये माइग्रेशन करें, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं इन टर्निंग ऑफ द सेल शीट। सो दिस इज मेसोडर्म सेल्स, सो इन एम्फीबिया मेसोडर्म सेल, तो मेसोडर्म सेल्स इन द एम्फीबिया ये डॉर्सल लिप में माइग्रेशन करते हैं, तो डॉर्सल लिप में इस टाइप की मूवमेंट होती है जो देखने को मिलती है। देन थर्ड, दिस इज कॉल्ड एज द इनग्रेशन, ये बहुत बार पूछी गई मूवमेंट है इनग्रेशन, जो बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछे गई है। इनग्रेशन में यहां पे हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि इंडिविजुअल सेल्स का अगर माइग्रेशन हो इनटू एम्ब्रियो तो इसे हम बोलते हैं इनग्रेशन। सो हियर ये भी हम सी अर्चिन में मूवमेंट देखते, तो इस तरह से सेल्स होते एंड ये सेल्स यहां से इनग्रेस होते एंड ये जो सेल्स होते सिंगल सिंगल मूवमेंट करते, इसे हम स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स बोलते। सो दीज आर स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। तो ये इनग्रेशन करते, सो दिस इज द इनग्रेशन। एंड ये सिंगल सेल्स की जो मूवमेंट होती है इसे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स बोलते हैं, कि जो सिंगल सेलुलर मूवमेंट करते। देन नेक्स्ट जो होती है इसे हम बोलते हैं डीलेमिनेशन, एंड डीलेमिनेशन दैट इज द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन of one sheet into two sheet, कि एक sheet अगर दो sheets में split हो तो उसे हम delamination बोलते हैं। Now delamination में क्या होता है कि एक sheet जो है वो two sheets में split हो जाती है, so here there is the splitting or migration। तो ये sheet यहाँ पे split हो जाएगी, ये sheet यहाँ पे split हो जाएगी, and ये जो splitting of cells होता है इसमें इस तरह से new layers का formation होता है। So ये हम majorly देखते हैं mammalian and bird hypoblast cells। So mammalian and bird हाइपोब्लास्ट सेल्स कि जिसमें स्प्लिटिंग देखता है, तो ये स्प्लिटिंग है, ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम से सी अर्चिन में, कि जो
इनग्रेशन करते हैं स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम में, ये सी अर्चिन में होते साजत, देन ईपी बोली। तो ईपी बोली होता है कि जहां पे एक्सपेंशन होता है वन सेल शीट का इनटू अदर, तो एक्सपेंशन ऑफ वन सेल शीट ओवर अदर और अदर सेल्स की, अदर सेल्स के ऊपर एक्सपेंशन होगा सेल शीट का, तो इसे हम बोलते हैं ईपी बोली। एंड यहां पे एक्टोडर्म सेल्स, सो एक्टोडर्म सेल्स और एक्टोडर्म फॉर्मेशन हम बोलते हैं, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन एम्फीबिया एंड सी अर्चिन। तो एम्फीबिया एंड सी अर्चिन में जो एक्टोडर्म फॉर्मेशन होता है ये दैट इज द ईपी बोली। देन हियर तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स का मूवमेंट होता है, एंड डिफरेंट सेल्स के मूवमेंट से अभी होता ही है कि बाहर के साइड में यहां पे जो सेल्स होते हैं ये एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं, वो यहां से भी एक्सपेंशन करते हैं एंड यहां से, एंड ये पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं इस तरह से। तो जब ये कंप्लीट बॉडी को कवर किया जाता है, एनक्लोजमेंट ऑफ द बॉडी हम इसे बोलते हैं, ये क्योंकि ईपी बोली एक्टोडर्म सेल्स ही कर सकते हैं क्योंकि आउटर बॉडी को कवर करना होता है, सो दिस इज द ईपी बोली। सो दिस इज ईपी बोली कि जो आउटर बॉडी को कवर करने के लिए ये एक्टोडर्म सेल्स करते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज द, ये हुआ डिफरेंट टाइप्स के सेल मूवमेंट्स जो ग्रेस्टुलेशन में होते हैं, एंड और बहुत सारे होते हैं जैसे इपिथिलियल टू मेसेनकाइम ट्रांजिशन होता है, मेसेनकाइम टू इपिथिलियल ट्रांजिशन होता है, एज वेल एज वहां पे कैविटाइजेशन होता है, देन एक्सटेंशन होते हैं मतलब कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एक्सटेंशन होते हैं, एंड एज वेल एज वहां पे न्यू सेल शीट्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल शीट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द ऑल टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स जो एनिमल्स में होते हैं। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से मूवमेंट्स में क्या होता है, तो इसमें सिर्फ इन सिंपल टर्म्स इतना ही याद रखना है, जैसे इनवेजिनेशन है तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे इनफोल्डिंग होता है, तो इनफोल्डिंग मतलब ये इनवेजिनेशन है, इन टर्निंग मतलब ये इनवोल्यूशन का मूवमेंट है, माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स का माइग्रेशन मतलब ये इनग्रेशन का मूवमेंट है, स्प्लिटिंग मतलब डीलेमिनेशन है क्योंकि एक सेल शीट स्प्लिट होकर दो सेल शीट्स में कन्वर्ट होती है, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द वन सेल शीट ओवर द अदर सेल्स दैट इज द ईपी बोली। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ले, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो ओनली 99 रुपीज में आपको मिल रही है, तो इतने कम फीस में आपको कभी भी टेस्ट सीरीज आगे जाके नहीं मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ये मेजरली मतलब जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो जिसमें सीएसआईआर नेट की भी टेस्ट सीरीज आएगी, एज वेल एज आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज आएगी, एंड गेट की टेस्ट सीरीज है कि जो आपको 99 रुपीज में मिलेगी, एज वेल एज जो भी आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है लेना चाहते रिकॉर्डेड कोर्स, ये 499 रुपीज में ही पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो स्पेशल ऑफर में ये कोर्स आप 499 रुपीज में ले सकते हो। एंड
एंड बाकी लाइफ साइंस की एज वेल एज गेट की और उनकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हो, ये 99 रुपीज में टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। एंड लाइफ साइंस का जो स्टडी मटेरियल है, ये लाइफ साइंस का स्टडी मटेरियल ओनली 699 में आपको मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को टेस्ट मटेरियल चाहिए वो टेस्ट मटेरियल जो है वो ऑर्डर करे आज ही का डेट में, क्योंकि आज ही उसकी वैलिडिटी है, 26 को उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो याद रखना, जो भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज नहीं लिए, टेस्ट सीरीज ले लेना, क्योंकि 99 रुपीज कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन टेस्ट का जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नेट में भी ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये रियलिटी है, ये हमेशा याद रखना। तो रानी आज ही है वैलिडिटी, 26 जैन का ही वैलिडिटी है सबका। तो आज ही आप ले, टेस्ट सीरीज ले, एज वेल एज आप कोर्सेस ले अगर चाहिए तो, क्योंकि आप जब तक एग्जाम्स तक प्रिपरेशन नहीं करोगे, टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एग्जाम आपको अच्छे से नहीं जाएगा, ये याद रखो। तो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। नाउ अर्ली डेवलपमेंट इन द सी इलेगेंस। सो सी इलेगेंस अर्ली डेवलपमेंट। नाउ जो सी इलेगेंस में अर्ली डेवलपमेंट होता है, अभी सी इलेगेंस दैट इज सीनो रैबडिटिस इलेगेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में पढ़ा रहा हूं, अभी ध्यान से देखना कि सी इलेगेंस में यहां पे, सो दिस इज द मॉडल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एंड सी इलेगेंस में मेजरली अगर हम देखें तो यहां पे हम जो अर्ली डेवलपमेंट देख रहे हैं, सो अर्ली डेवलपमेंट, तो सी इलेगेंस में जो क्लीवेज होता है, ये क्लीवेज कौन से टाइप का होता है, क्योंकि ये निमेटोड है तो इसमें जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज इज द रोटेशनल क्लीवेज, किसमें रोटेशनल क्लीवेज होता है। एंड सेकेंड यहां पे सी इलेगेंस में जब डिविजन होता है तो जायगोट जब डिवाइड करता है तो दो टाइप के सेल्स बनाता है। सो जब भी सी इलेगेंस डिविजन करता है तो जायगोट जब भी डिवाइड होता है तो यहां पे असिमेट्रिक डिविजन होती है, एंड ड्यू टू असिमेट्रिक डिविजन हियर टू टाइप के सेल्स बनते हैं। एक जो सेल बनते हैं इसे एंटीरियर साइड, एक सेल एंटीरियर साइड में बनती है, एक सेल पोस्टीरियर साइड में बनती है। एंटीरियर साइड में इसलिए बनती है क्योंकि इस सेल में, जैसे यहां पे फर्स्ट सेल जो बनती है इसे फाउंडर सेल बोलते हैं। तो सी इलेगेंस में जो फाउंडर सेल बनती है फर्स्ट, दैट इज ए बी फाउंडर सेल, एंड यहां पे पार 6 एंड पार 3 ये प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो एंटीरियर साइड में बनती है। तो फर्स्ट सेल हमेशा एंटीरियर साइड में बनती है, एंड दूसरी सेल जो होती है दिस इज फॉर्म टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, इसे हम बोलते हैं P1 सेल, एंड दिस इज द स्टेम सेल। एंड P1 सेल्स में जो पार प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं PAR1 एंड PAR2, एंड इसलिए पहले क्लीवेज में ही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिसाइड होता है। एंड यहां पे सी इलेगेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा हूं, याद रखना अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार पूछे गए। अभी फाउंडर सेल जो होती है ये रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल होती है, सो दिस इज हैविंग रेस्ट्रिक्टेड पोटेंशियल, हैविंग लो पोटेंसी होती है फाउंडर सेल्स में। एंड ये जो होते हैं ये कंडीशनल स्पेसिफाइड होते हैं, सो दे आर कंडीशनल स्पेसिफाइड। नाउ व्हाट इज कंडीशनल स्पेसिफाइड, कंडीशनल स्पेसिफाइड मीन्स व्हाट, एंड जो स्टेम सेल्स होते हैं दे हैविंग हायर पोटेंसी, स्टेम सेल्स में हायर पोटेंसी होती है, एंड स्टेम सेल्स हायर पोटेंसी होती है मतलब ये स्टेम सेल जो होते हैं दे आर ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड। एंड स्टेम सेल्स जब भी डिवाइड होते हैं तो स्टेम सेल डिवाइड होने के बाद हमेशा एक सेल एंटीरियर में बनती है एंड एक सेल पोस्टीरियर में बनती है। एक सेल जो एंटीरियर में बनती है दिस इज कॉल्ड एज द फाउंडर सेल। तो स्टेम सेल जब डिवाइड होते हैं
तो एक सेल फाउंडर सेल्स को बनाते एंड एक सेल जो है वो स्टेम सेल्स को बनाते। तो स्टेम सेल जब भी डिवाइड होंगे तो फाउंडर सेल भी बनेगी एंड स्टेम सेल भी बनेगी, एंड फाउंडर सेल जब भी डिवाइड होंगे तो फाउंडर सेल ओनली स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करते, सो इट फॉर्म डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करते, तो ये सी एलिगेंस में तो फाउंडर सेल कंडीशनली स्पेसिफाइड होते एंड स्टेम सेल जो होते वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते, बस ये याद रखना है। एंड जब भी सेल्स डिवाइड होंगे तो एंटीरियर साइड में जो सेल बनेगी वो होगी फाउंडर सेल एंड पोस्टीरियर साइड में जो सेल होगी दैट इज कॉल्ड एज द स्टेम सेल। ओके, यहां तक समझ में आया? नाउ जो सेल लीनिएज है, सेल लीनिएज जो भी यहां पे देखी गई, तो सेल लीनिएज में यहां पे देखो एक तो फर्स्ट होता है, जैसे सेल लीनिएज में फर्स्ट सेल जो होती है उसे हम बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट, जायगोट तो ईच स्टेम सेल जब भी डिवाइड करती है तो एंटीरियर साइड में एक सेल बनाती है, फर्स्ट सेल एंटीरियर साइड में बनती है, इसे बोलते हैं फाउंडर सेल। ओके, सो ये फाउंडर सेल है कि जो एंटीरियर साइड में बनी, एंड जो सेकेंड सेल बनी जो पोस्टीरियर साइड में, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम सेल, इसे पी वन स्टेम सेल बोलते हैं। तो फाउंडर सेल एंड स्टेम सेल्स ये फर्स्ट डिविजन के बाद फॉर्मेशन होता है। नाउ ए बी फाउंडर सेल जब आगे जाती है तो ये डिफरेंशिएटेड लीनेज के सेल्स देती है, इसमें ए बी ए, ए बी एंटीरियर एंड ए बी पोस्टीरियर, ये दो सेल्स बनते एंड ये आगे जाके टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाते, जैसे फैरिंग्स, न्यूरॉन, हाइपोडर्मिस, इनका फॉर्मेशन करते कि जो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्म हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन, दिस इज ऑल्सो द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये आगे जाके टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करते, सो दिस इज द टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दिस इज द फाउंडर सेल्स की जो फाउंडर सेल्स फॉर्मेशन होते। नाउ यहां पे देखो जैसे पी वन सेल है, पी वन सेल जब भी डिवाइड होगी तो ये भी एंटीरियर साइड में जो सेल बनाएगी इसे हम बोलते हैं ई एम एस सेल, एंड ई एम एस सेल आगे जाके दो फाउंडर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, एक होती है ई एक होती है एम एस, तो ई एंड एम एस ये दो फाउंडर सेल्स बनेंगे। अभी ये जो सेल लीनेज है ई एंड एम एस, ई आगे जाके इंटेस्टाइन बनाता है एंड एम एस आगे जाके मसल फैरिंग्स बनाता है, तो ये दो फाउंडर सेल्स है। एंड यहां पे जो दूसरी स्टेम सेल बनेगी दिस इज कॉल्ड एज द पी टू स्टेम सेल, कि जो पोस्टेरियर साइड में बनती है। नाउ पी टू स्टेम सेल जब भी डिवाइड करेगी तो पी टू स्टेम सेल भी आगे जाके एक फाउंडर सेल बनाएगी एंड एक स्टेम सेल बनाएगी, सो एक फाउंडर सेल जो बनाती है इसे हम बोलते हैं सी फाउंडर सेल, एंड जो स्टेम सेल बनाती है दिस इज कॉल्ड एज द पी फोर स्टेम सेल। एंड ये जो पी फोर स्टेम सेल्स है, नाउ सी फाउंडर सेल ये आगे जाके टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, सो सी फाउंडर सेल आगे जाके मसल हाइपोडर्मिस बनाती है, सो मसल हाइपोडर्मिस ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन होगी। एंड डी पी फोर स्टेम सेल, सॉरी यहां पे पी थ्री स्टेम सेल है, तो पी थ्री स्टेम सेल आगे जाके देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर फाउंडर सेल एंड वन मोर स्टेम सेल, कि डी फाउंडर सेल बनती है एंड पी फोर स्टेम सेल, यहां पे कौन सी स्टेम सेल बनती है पी फोर स्टेम सेल, एंड जो पी फोर स्टेम सेल है ये आगे जाके कौन सी लीनिएज देती है पी फोर स्टेम सेल, क्योंकि डी फाउंडर सेल आगे जाके मसल्स का फॉर्मेशन करती है एंड यहां पे जेड टू एंड जेड थ्री लीनिएज होते, ये जर्म लाइन लीनिएज है। सो दिस इज द कंप्लीट सेल लीनिएज, कि आप देखना यहां पे जो स्टेम सेल्स बनते
स्टेम सेल्स कितने बने, तो स्टेम सेल्स में हमने देखा P1, P2, P3 एंड P4, ये चार स्टेम सेल्स फॉर्मेशन होते हैं। एंड यहां पे फाउंडर सेल्स कितने बने, तो फाउंडर सेल्स में AB, E, MS, C एंड D, ये फाउंडर सेल्स का भी फॉर्मेशन हुआ। सो हियर टोटल 4 स्टेम सेल्स फॉर्मेशन होते हैं एंड 5 जो है वो फाउंडर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द स्टेम सेल्स एंड फाउंडर सेल। नाउ जो फेट डिटरमिनेशन किया जाता है सी एलिगेंस में, फेट डिटरमिनेशन में यहां पे एक तो फर्स्ट जो फेट डिटरमाइन होता है दैट इज बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट होता है। सो बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन सीन इन द सी एलिगेंस, कि सी एलिगेंस में दोनों भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑटोनॉमस भी होता है एंड कंडीशनल भी होता है। नाउ कैसे, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट जैसे देखें P1 स्टेम सेल एंड AB सेल फेट, तो P1 स्टेम सेल्स को अगर हमने AB सेल्स के पास में रखा, तो यहां पे जैसे AB सेल है एंड AB को अगर हमने P1 के पास में रखा, तो P1 के पास में रखने के बाद हियर ये सेल्स AB सेल भी अपने फेट के सारे सेल्स बनाती है, जैसे उसका जो फेट है ABA एंड ABP, तो ये दोनों भी सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। एंड P1 सेल्स इट फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ देयर फेट, मतलब वो उसके लीनेज के सारे सेल बनाते हैं, जैसे P2 देन EMS, ये सारे उसके फेट के जो सेल्स है वो बनाते हैं। नाउ सपोज अगर हमने इनको सेपरेट किया एंड सेपरेट करके डिवाइड किया, तो यहां पे होता क्या है कि जब हम सेपरेट करते हैं AB को एंड P1 को एंड सेपरेट करके डिवाइड करते हैं, तो AB ओनली स्मॉल फ्रैक्शन सेल बनाती है, कि AB के फेट में सारे सेल्स नहीं बनते, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स बनते हैं। एंड P1 इट फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब इट फॉर्म्स ऑल सेल्स ऑफ देयर फेट, तो P1 के फेट में कोई चेंज नहीं आया, बट AB का फेट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसमें से आप मुझे बताओ कौन ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है एंड कौन कंडीशनली स्पेसिफाइड है। यस, हु इज ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड एंड हु इज कंडीशनली स्पेसिफाइड। तो AB जो होती है, AB इज द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि AB कंडीशनली स्पेसिफाइड है इसलिए क्योंकि वहां पे उसको रिक्वायर्ड है P1 सेल, एंड P1 सेल अगर नहीं होगी तो वहां पे वो कंप्लीट सेल्स का फॉर्मेशन नहीं करते, एंड इसलिए AB कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है एंड P1 जो है वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। एंड सेम हम दूसरे सेल्स में भी लेते, जैसे P2 स्टेम सेल एंड EMS सेल, तो यहां पे भी P2 स्टेम सेल ये EMS सेल से, यहां पे भी क्या है P2 सेल एंड EMS सेल ले, तो P2 स्टेम सेल ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड तो ये करके देखते हैं, तो P2 स्टेम सेल्स एंड EMS सेल, तो EMS एंड P2 ये दोनों पास में, तो EMS इट कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक जो सेल बनाती है MS एंड दूसरी सेल बनाती है E सेल, एंड P2 कैन फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ देयर फेट, वो उसके फेट के सारे सेल बनाती है। अभी इसको अगर हम सेपरेट करें,
तो सेपरेट करने के बाद भी यहां पे ईएमएस अलग किया पी2 से, तो ईएमएस को अगर जब अलग करते पी2 से तो अभी यहां पे क्या होता है ना, ईएमएस ओनली फॉर्म करती है 2 MS सेल्स, 2 MS सेल्स फॉर्मेशन होते हैं एंड नो ई सेल फॉर्मेशन। सो हियर देयर इज द नो ई सेल फॉर्मेशन, ई सेल फॉर्म नहीं होती बट पी2 फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ देयर फेट, एंड इसीलिए पी2 जो है वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है। तो पी2 यहां पे, तो ईएमएस एंड पी2 में क्या फेट है, तो ईएमएस ये यहां पे ई सेल फॉर्मेशन नहीं करती, इसका मतलब ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, एंड पी2 जो है वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन है। सो दिस इज द ऑटोनॉमस एंड द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सो दिस इज द फेट इन द सेल्स। देन जो ईएमएस का फेट डिटरमिनेशन होता है, ईएमएस फेट डिटरमिनेशन ये डिपेंड होता है ऑन द बेस ऑफ वन सिग्नल, कि जो एक सिग्नल होता है मैटरनल सिग्नल जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो ईएमएस का जो फेट डिटरमिनेशन है डिसाइड ऑन द बेस ऑफ SKN1, एंड SKN1 यहां पे MED1 MED2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट करता है, कि जिससे MED1 MED2 से यहां पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईएमएस, उसमें से एक सेल जो है वो ई फेट में जाती है एंड दूसरी सेल जो है वो एमएस फेट में जाती है। तो यहां पे जो ई एंड एमएस फॉर्मेशन होता है, तो ये ईएमएस फेट हियर, तो एक सेल ई फेट में जाती है एंड एक सेल एमएस फेट में जाती है। तो ई फेट में जो जाती है उसमें यहां पे, सो ई फेट फॉर्मेशन के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं पी2 स्टेम सेल। सो पी2 स्टेम सेल ई सेल फेट को एक्टिवेट करते हैं, एंड पी2 स्टेम सेल जहां पे भी है वहां पे ई सेल फॉर्मेशन होता है। ओके तो यहां पे पी2 स्टेम सेल ई सेल फॉर्मेशन करती है एंड ये ई सेल्स में कन्वर्ट होती है। तो पी2 स्टेम सेल इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ई सेल फॉर्मेशन, पी2 स्टेम सेल ई सेल फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड यहां पे और एक सिग्नल होता है POP1, एंड POP1 इट स्टिम्युलेट TBX35, एंड TBX35 से यहां पे MS का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे पी2 स्टेम सेल रिक्वायर्ड है वहां पे ई सेल फॉर्मेशन होता है, एंड जहां पे POP1 एक्टिवेट होता है वहां पे MS का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पे पी2 सेल है वहां पे ई सेल बनती है, एंड जहां पे POP1 है वहां पे MS का फॉर्मेशन होता है। ओके सो इफ अगर हमने पी2 रिमूव की, सो पी2 स्टेम सेल रिमूव, अगर पी2 स्टेम सेल्स को रिमूव किया एट 4 सेल स्टेज, तो वहां पे कौन से सेल्स बनेंगे। अगर पी2 स्टेम सेल नहीं रही रिमूव की 4 सेल स्टेज में, तो यहां पे कौन से सेल्स बनेंगे। एंड इफ POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, सो POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो है, तो यहां पे कौन से सेल्स बनेंगे। सो पी2 सेल रिमूव किया तो यहां पे फॉर्मेशन होंगे दोनों भी सेल्स MS, अगर पी2 सेल रिमूव करते हैं तो यहां पे ओनली MS फॉर्मेशन होगा, एंड अगर POP1 डेफिशिएंट है तो यहां पे ओनली
ई सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंट फेट डिटर्मिनेशन इन द सी एलिगेंस. कि सी एलिगेंस में जो फेट डिटर्मिनेशन है ये हमने डिस्कस किया. देन सी अर्चिन अर्ली डेवलपमेंट. तो ये सिर्फ याद रखना सी एलिगेंस का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं सी एलिगेंस में. नाउ सी अर्चिन का जो अर्ली डेवलपमेंट है, सी अर्चिन के अर्ली डेवलपमेंट में यहां पे जो क्लीवेज होता है, ये क्लीवेज कौन सा होता है इन द सी अर्चिन? तो क्लीवेज होता है, दिस इज द रेडियल क्लीवेज. एंड रेडियल क्लीवेज से यहां पे जो एट सेल स्टेज बनती है, सो दिस इज एट सेल स्टेज. एंड एट सेल स्टेज जब आगे डिवाइड होती है तो यहां पे इक्वल डिवीजन होती है, यहां पे अनइक्वल डिवीजन होती है. एंड रेडियल क्लीवेज में हमने इक्वल डिवीजन एंड अनइक्वल डिवीजन देखा. तो इक्वल डिवीजन होगी तो यहां पे जो सेल्स बनेंगे इसे हम बोलते हैं मीसोमियर. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमियर्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमियर्स. तो यहां पे डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते. दिस इज द मीसोमियर, दिस इज द मैक्रोमियर एंड दिस इज द माइक्रोमियर. तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो सी अर्चिन में फॉर्मेशन होते. सो मीसोमियर्स, मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स, की जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है वो जनरेट होते हैं. अब ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे याद रखना कि जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है इनमें सेल्स का फेट जो होता है सो दीज आर द मीसोमियर्स एंड दीज आर मैक्रोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स. तो ये जो फेट होता है, दीज आर द सेल्स जो यहां पे प्रेजेंट होते हैं. यहां पे मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज एनिमल पोल टायर वन, एनिमल पोल टायर टू. दिस इज वेग वन टायर वन एंड वेग वन टायर टू. नाउ यहां पे मेजरली जो एनिमल पोल टायर वन है ये एक्टोडर्म लिनेज में जाते हैं, मतलब ये एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करते. देन यहां के जो सेल्स है जो मैक्रोमियर्स है, सो ये वाले जो सेल्स है ये मीसोमियर्स है, कि जो इक्वल साइज के. ये वाले जो सेल्स है ये मैक्रोमियर्स है जो बड़े लार्ज साइज है. एंड ये वाले सेल जो है वो माइक्रोमियर्स है, कि जो स्मॉल साइज है. तो यहां पे ये वाले जो सेल्स है दे एंटर इनटू द एंडोडर्म फेट. तो यहां के सेल्स एंडोडर्म फेट में जाते हैं. एंड ये वाले जो सेल्स है दे एंटर इनटू द सेकेंडरी मेसेनकाइम. ये सेकेंडरी मेसेनकाइम में एंटर होते हैं. एंड सेकेंडरी मेसेनकाइम जो होता है इसे नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बोलते हैं, नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम. देन माइक्रोमियर्स में जो लार्ज माइक्रोमियर्स है, ये लार्ज माइक्रोमियर्स, दीज आर द स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स. तो ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स है. एंड सिंपली याद इतना ही रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी अर्चिन में एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, ये दो पोल्स होते हैं. सो दिस इज एनिमल पोल
एंड दिस इज वेजिटल पोल, तो ये दो पोल से। नाउ एनिमल पोल के ऊपर जो भी सेल्स होते हैं, सो एनिमल पोल एंड द वेजिटल पोल, ये दो पोल है। अभी इसमें जो लार्ज माइक्रोमीयर से दे आर ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है। एंड जो एंडोडा में ये कंडीशनल स्पेसिफाइड है। सो एंडोडम आर द कंडीशनली स्पेसिफाइड। तो एक होते कि जो लार्ज माइक्रोमीयर्स ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, एंड एंडोडम ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको सिग्नल स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स से मिलता है एंड इसलिए दे आर कंडीशनल स्पेसिफाइड। तो यही सेल्स होते हैं कि जो एंडोडम फॉर्मेशन के लिए सिग्नल देते हैं इस तरह से, तो इसलिए ये एंडोडम का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडीशनल स्पेसिफाइड है। देन एंड ये जो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, इनमें सिग्नल होता है ओटीएक्स एंड बीटा कैटेनिन। तो इनके साइटोप्लाज्म में सिग्नल होता है ओटीएक्स एंड बीटा कैटेनिन, एंड इसलिए ये जो होते हैं वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड होते हैं। नाउ जो भी सेल्स होते हैं, जैसे सी एलिगेंस में अगर हम देखें तो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, सो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स जो होते हैं, दीज आर मेजर सिग्नलिंग सेंटर है। तो ये मेजर सिग्नलिंग सेंटर है, सो दिस इज मेजर सिग्नलिंग सेंटर। एंड मेजर सिग्नलिंग सेंटर है मतलब क्या कि यहां से ही सिग्नलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एम्ब्रियो लिया, सपोज मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, अगर हमने एम्ब्रियो लिया एंड इस एम्ब्रियो को नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड किया, जैसे ये मीसोमियर से, देन ये एंडोडम है एंड ये नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम से, इसको अगर हम नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करते तो यहाँ पे नॉर्मल प्लूटस लार्वा बनता है कि जिसमें सारे सेल्स होते हैं। सो नॉर्मल प्लूटस लार्वा जहाँ पे नॉर्मल एक्टोडम बनता है, नॉर्मल मीसोडम बनता है एंड नॉर्मल एंडोडम बनता है। सो हियर देयर इज द प्लूटस लार्वा जो नॉर्मल फॉर्मेशन होता है। अगर सभी सेल्स प्रेजेंट है तो नॉर्मल प्लूटस लार्वा बनता है। सपोज अगर हमने यहां पे ओनली एनिमल हेमिस्फीयर लिया, तो ये ए एक्सपेरिमेंट था, बी में हमने लिया एनिमल हेमिस्फीयर अलोन, कि अलोन एनिमल हेमिस्फीयर लिया, तो अलोन एनिमल हेमिस्फीयर लेते तो यहां पे ओनली ये वाले सेल्स है। सो ओनली एनिमल हेमिस्फीयर लिया, तो हियर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो अभी सिर्फ ऊपर के सेल्स लिए तो यहां पे फॉर्मेशन होता है डॉर ब्लास्टुला, सो हियर डॉर ब्लास्टुला फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ डॉर ब्लास्टुला एंड डॉर ब्लास्टुला के बाद देयर इज द कंप्लीट एनिमलाइजेशन होता है, क्योंकि एक्टोडर्म के सेल्स प्रेजेंट है, तो यहां पे फॉर्मेशन क्या होता है, ओनली सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स। सो फॉर्मेशन ऑफ सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स, कि सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है अगर सिर्फ एनिमल हेमिस्फीयर लेते हैं। एंड सपोज यहां पे ये याद रखना सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म सेल्स, क्योंकि ओनली एक्टोडर्म का फेट फॉर्मेशन होता है। देन हियर, तो यहां तक समझ में आपको, यस यहां तक समझ में आ रहा है आपको,
यहां तक समझ में आ रहा है आपको? देन अगर एनिमल हेमिस्फीयर, एनिमल हेमिस्फीयर के साथ अगर हम अभी माइक्रोमीयर्स को डाल दें, एंड माइक्रोमीयर्स अगर नॉर्मल डेवलपमेंट है, तो एनिमल हेमिस्फीयर के साथ अगर हम सिर्फ माइक्रोमीयर्स को ऐड कर दें, तो सपोज यहां पे एनिमल हेमिस्फीयर है, एंड इस एनिमल हेमिस्फीयर के साथ हमने माइक्रोमीयर्स डाल दिए, तो अभी माइक्रोमीयर्स क्या करते हैं, यहां से सिग्नलिंग करते, एंड सिग्नलिंग करके यहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, मतलब रिकॉग्नाइजेबल लार्वा फॉर्मेशन होता है. सो देयर इज द रिकॉग्नाइजेबल लार्वा, कि जहां पे तीनों भी टाइप के सेल्स होते, जैसे मीसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दिस इज रिकॉग्नाइजेबल लार्वा फॉर्म. एंड ये जो रिकॉग्नाइजेबल लार्वा है, ये इसलिए बनता है क्योंकि माइक्रोमीयर सिग्नलिंग करते हो, तो ये मेजर सिग्नलिंग सेंटर है. एंड एंडोडर्म फॉर्मेशन होता है फ्रॉम एनिमल लेयर्स. सो एंडोडर्म फॉर्म फ्रॉम एनिमल लेयर्स. तो ये एनिमल लेयर से ही एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज द रिकॉग्नाइजेबल लार्वा फॉर्मेशन. देन तो ये याद रखना, इसलिए माइक्रोमीयर्स जो होते हैं, ये माइक्रोमीयर्स मेजर रोल प्ले करते हैं सी अर्चिन में. एंड माइक्रोमीयर्स ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, एंड बाकी के सेल्स जैसे एंडोडर्म सेल्स जो है वो कंडीशनल स्पेसिफाइड है. तो एंडोडर्म फॉर्मेशन के लिए सिग्नल स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम से आता है. देन जो डबल नेगेटिव गेट है, जिसमें स्केल्टोजेनिक एंड नॉन स्केलेटोजेनिक फेट है. सो स्केलेटोजेनिक एंड नॉन स्केलेटोजेनिक फेट. तो स्केलेटोजेनिक एंड नॉन स्केलेटोजेनिक फेट फॉर्मेशन में यहां पे मेजरली अगर हम देखें, तो यहां पे दो टाइप के सेल्स हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सपोज ये स्केलेटोजेनिक सेल्स है. सो दीज आर लार्ज माइक्रोमीयर, एंड ये जो लार्ज माइक्रोमीयर्स है, सो दीज आर माइक्रोमीयर्स, एंड दिस इज द वेक टू टायर मैक्रोमीयर, कि ये मैक्रोमीयर्स है. मतलब कौन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम में जाएगा एंड कौन नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम में जाएगा, ये याद रखना. अभी माइक्रोमीयर से ये लार्ज माइक्रोमीयर से जो स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम्स होते, अभी इनमें मेजरली जैसे मैंने आपको बताया दो फैक्टर्स होते, ओटीएक्स एंड बीटा कैटेनिन. एंड ये इनके साइटोसोल में होते, ओटीएक्स एंड बीटा कैटेनिन. एंड जहां पे ओटीएक्स एंड बीटा कैटेनिन होता है, यहां पे ये एक्सप्रेस करते हैं पीएमआर वन को. तो पीएमआर वन जीन एक्सप्रेस होता है, जैसे पीएमआर वन प्रोटीन बनता है, पीएमआर वन प्रोटीन इट इज इनिबिटर ऑफ द हेचसी रिप्रेसर, कि ये हेचसी रिप्रेसर का इनिबिटर है. तो पीएमआर वन हेचसी को इनिबिट करता है. हेचसी जैसे इनिबिट होता है, तो यहां पे डिफरेंट जीन एक्सप्रेस होते हैं, जैसे एलएक्स वन, ईटीएस, टीबीआर एंड डेल्टा. तो ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं. अभी जहां पे भी एलएक्स वन, ईटीएस, टीबीआर एंड डेल्टा एक्सप्रेस होता है, दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है दैट एक्टिवेट जीन फॉर स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स. तो यहां पे स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम्स का फॉर्मेशन होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ द स्केल्टोजेनिक मेसेनकाइम्स. तो स्केल्टोजेनिक फेट जो है वो फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो जहां पे भी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होंगे,
वहां पे स्केलेटोजेनिक फैट का फॉर्मेशन होता है। नाउ सिमिलर अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरे सेल जो वेक टू टायर सेल्स के सेल्स है, यहाँ पे एंड ये स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम जो है वो आगे जाके स्केलेटल रॉड बनाते हैं लार्वा में, तो स्केलेटल रॉड और स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं लार्वा में। देन जो दूसरे सेल्स है वेक टू टायर सेल्स, यहाँ पे पीएमआर वन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, एंड पीएमआर वन एक्सप्रेस नहीं हुए तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में रहता है एचसी। अभी एचसी एक्टिव है तो ये एचसी है ना, ये खुद ही रिप्रेसर है, एंड ये एचसी क्या करता है, ये रिप्रेस कर देता है सारे जीन्स को इन सेल्स में, जैसे ALX1, TBR, ETS एंड डेल्टा, इसको इनहिबिट करता है। नाउ स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स में जो डेल्टा एक्सप्रेस होता है वो डेल्टा यहां पे नॉच को एक्टिवेट करता है, तो ये डेल्टा एंड नॉच इंट्रैक्शन से, सो दिस इज द डेल्टा एंड नॉच इंट्रैक्शन है, एंड डेल्टा नॉच इंट्रैक्शन से यहां पे जो सिग्नलिंग होती है इससे नॉन स्केलेटोजेनिक फेट फॉर्मेशन होता है, सो देर इज द नॉन स्केलेटोजेनिक फेट। सो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स का फॉर्मेशन होता है, सो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स फॉर्मेशन, एंड ये जो नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स है वो लार्वा में फिर आगे जाके फॉर्मेशन करते मसल्स पिगमेंटेड सेल, तो ये मसल्स पिगमेंटेड सेल एंड इम्यूनोसाइट फॉर्मेशन करते, सो दिस इज कॉल्ड एज द नॉन स्केलेटोजेनिक फेट। तो इसे डबल नेगेटिव सर्किट बोलते हैं, डबल नेगेटिव इसलिए क्योंकि पीएमआर वन ये भी रिप्रेसर है एंड एचसी ये भी रिप्रेसर है, तो एचसी ये रिप्रेसर है एंड उसका रिप्रेसर पीएमआर वन है, तो पीएमआर वन इज द रिप्रेसर ऑफ द रिप्रेसर एंड दैट इज कॉल्ड एज डबल नेगेटिव सर्किट गेट, तो इसे डबल नेगेटिव सर्किट गेट बोलते हैं। हाँ स्मृति, यहाँ पे सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहिबिट होते हैं एंड इसलिए यहाँ पे नॉन स्केलेटोजेनिक फेट आता है, तो एक सेल्स स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम्स में कन्वर्ट होते हैं एंड एक सेल नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम में, तो ये डबल नेगेटिव सर्किट गेट है। डबल नेगेटिव में पीएमआर वन ये भी रिप्रेसर ही है बट वो एचसी को रिप्रेस करता है एंड एचसी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल्स का फॉर्मेशन को रिप्रेस करता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द डबल नेगेटिव गेट। ये समझ में आया आपको? यस। एंड जो गैस्ट्रोलेशन होता है सी अर्चिन में, इसमें सिर्फ सेल मूवमेंट्स को याद रखना कि यहां पे सबसे फर्स्ट होता है इनग्रेशन, देन इनवेजिनेशन। इनग्रेशन जो है ये इसमें मेजर रोल प्ले करते स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, तो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम इनग्रेशन करते एंड इनवेजिनेशन ये मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज एंडोडर्म सेल्स, तो एंडोडर्म सेल जो है वो इनवेजिनेशन करते, तो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द गैस्ट्रोलेशन इन सी अर्चिन। ओके, एंड ये हुआ सी अर्चिन का अर्ली डेवलपमेंट। देन फ्रॉग अर्ली डेवलपमेंट, अभी जो फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है इन फ्रॉग डेवलपमेंट, फ्रॉग डेवलपमेंट में क्या होता है जनरली यहां पे, सो क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज जो फ्रॉग में होता है दैट इज द डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, डिस्प्लेस रेडियल क्लीवेज होता है। एंड यहां पे मतलब अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन
सो फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, सो दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग में यहां पे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। यहां पे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म जो होता है वो पिगमेंटेड होता है। ओके, सो दिस इज पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोसोल, ये पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोसोल है। देन यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स। सो दिस इज, ये ठीक से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस इज द स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर। तो स्पर्म रिसेप्टर से जो प्रेजेंट होते हैं, एंड विद इन साइटोसोल यहां पे ये पूरा साइटोसोल है फ्रॉग के एग में। एंड विद इन साइटोसोल एक सिग्नल होता है, इसे हम बोलते हैं बीटा कैटेनिन सिग्नल। सो विद इन साइटोसोल बीटा कैटेनिन सिग्नल है, एंड बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है एक प्रोटीन, इसे बोलते हैं GSK3। सो GSK3 इनिबिटिंग द बीटा कैटेनिन थ्रू आउट साइटोसोल, कि थ्रू आउट साइटोसोल GSK3 इनिबिट करता है। एंड वेजिटल पार्ट पे वेसिकल्स में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं डाइशेल्ड वेसिकल। तो ये डाइशेल्ड के वेसिकल्स है जो वेजिटल पोल पे होते हैं। तो अभी यहां पे जैसे अगर हम देखें कि अगर स्पर्म बाइंडिंग हुआ तो ये अनफर्टिलाइज है, बिफोर स्पर्म बाइंडिंग है। सपोज स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म एंट्री के बाद अभी वेजिटल कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में यहां पे रोटेशन होता है जहां पे भी स्पर्म बाइंड होगा। तो सपोज यहां पे स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर है, एंड आफ्टर स्पर्म बाइंडिंग यहां पे जो चेंजेस होते हैं, सो दिस इज द स्पर्म बाइंडिंग। तो स्पर्म बाइंड हुआ, एंड स्पर्म बाइंड होने के बाद, स्पर्म बाइंडिंग के बाद यहां पे चेंजेस होते हैं। सो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म विच इज रोटेटेड, एंड ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेट होता है ये टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्पर्म एंट्री, जिस साइड में स्पर्म का एंट्री है उस डायरेक्शन में कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म अराउंड 30 डिग्री तक रोटेट होता है पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म। एंड जैसे रोटेट होता है डाइशेल्ड के वेसिकल्स जो है वो ये वेजिटल पार्ट से इस साइड में माइग्रेट करते, तो ये साइड जो बनती है ये डॉर्सल साइड बनती है, एंड ये साइड जो बनती है वेंट्रल साइड बनती है। तो स्पर्म एंट्री के बाद डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस भी डिसाइड होता है, एंड यहां पे स्पर्म एंट्री के बाद देयर इज द अभी तक बीटा कैटेनिन प्रेजेंट है साइटोसोल में, एंड बीटा कैटेनिन को इनिबिट कर रहा है उसका इनिबिटर जिसे हम GSK3 बोलते हैं। सो GSK3 दिस इज इनिबिटिंग द बीटा कैटेनिन इन द साइटोसोल। तो अभी भी GSK3 इनिबिट कर रहा है बीटा कैटेनिन को। नाउ यहां पे जो रीजन फॉर्मेशन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्रे क्रिसेंट रीजन। तो यहां पे ग्रे क्रिसेंट रीजन का फॉर्मेशन होता है। सो ग्रे क्रिसेंट रीजन जो होता है कि जहां पे डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन है, ये डिफ्यूज पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नाउ उसके बाद हियर डॉर्सल साइड में डाइशेल्ड रिलीज होता है। सो डॉर्सल साइड में यहां पे कि कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म पिगमेंटेड है, तो हियर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है, एंड पिगमेंट्स की जो रोटेशन हुआ था उसके वजह से यहां पे ग्रे क्रिसेंट बना था। नाउ यहां पे क्या होता है, यहां पे डाइशेल्ड रिलीज होता है, तो डाइशेल्ड के वेसिकल्स डाइशेल्ड को रिलीज करते हैं। तो इस रीजन में जहां पे भी डाइशेल्ड रिलीज हुआ है, अभी ये वाला जो रीजन है जहां पे डाइशेल्ड रिलीज हुआ है वहां पे डाइशेल्ड
इसे डीएसएच बोलते हैं, डीएसएच प्लस जीबीपी, जीएसके थ्री बाइंडिंग प्रोटीन एंड विंट 11, ये तीनों मिला के इनिबिट करते जीएसके थ्री को, तो यहां पे जीएसके थ्री इनिबिट हो जाता है। एंड एक बार जीएसके थ्री इनिबिट हुआ तो यहां पे एक्टिवेट हो जाता है बीटा कैटेनिन। तो जहां पे भी बीटा कैटेनिन एक्टिवेट होता है वो डॉर्सल साइड बनती है। सो बीटा कैटेनिन एक्टिव, जहां पे भी बीटा कैटेनिन एक्टिव होता है वो डॉर्सल साइड बनती है। एंड जहां पे अभी भी, क्योंकि इस रीजन में अभी भी बीटा कैटेनिन है, बट ये बीटा कैटेनिन अभी भी इनहिबिटेड फॉर्म में, तो यहां पे ये बीटा कैटेनिन अभी भी इनहिबिटेड फॉर्म में, एंड इसको इनहिबिट कर रहा है जीएसके थ्री। तो जहां पे बीटा कैटेनिन इनहिबिटेड है वो वेंट्रल साइड बनती है। सो दिस इज बीटा कैटेनिन इनहिबिशन। तो ये वेंट्रल साइड बन गई एंड ये डॉर्सल साइड, कि बीटा कैटेनिन जहां पे एक्टिवेट होते हैं वहां पे डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन होता है। एंड देन जहां पे भी बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हुआ है, फिर आगे जाके ये बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में एंटर होता है सेल्स के, एंड ये डॉर्सल फेट के जीन एक्सप्रेस करता है। तो सपोज ये सारे एम्फीबिया के सेल्स है, एंड इन सेल्स में तो ये सारे सेल्स है, तो इन सेल्स में जो भी डॉर्सल साइड के सेल्स होते हैं, इन डॉर्सल साइड के सेल्स में बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में एंटर होता है। सो हियर बीटा कैटेनिन एंटर इनटू न्यूक्लियस। सो इन न्यूक्लियस कि बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में एंटर हुआ, तो जहां पे भी वो न्यूक्लियस में एंटर होता है वहां पे डॉर्सल साइड बनती है, एंड यहां पे वेंट्रल साइड है, एंड वेंट्रल साइड में हियर देयर इज द वेंट्रल फैक्टर्स होते कि जो प्रेजेंट होते। तो यहां पे अभी भी जीएसके थ्री बीटा कैटेनिन को इनहिबिट कर रहा है, तो ये वेंट्रल साइड के न्यूक्लियस में एंटर नहीं हो पाता बीटा कैटेनिन। तो दिस इज कॉल्ड एज द अर्ली डेवलपमेंट, कि अर्ली डेवलपमेंट में बीटा कैटेनिन का जहां पे एक्टिवेशन होता है वहां पे डॉर्सल साइड फॉर्मेशन होती है इन द फ्रॉग, ये हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ यहां पे ही डेवलपमेंट होता है फिर न्यूकोप सेंटर। सो न्यूकोप सेंटर जो डेवलपमेंट होता है न्यूकोप सेंटर डेवलपमेंट, तो जनरली जो भी एग होता है एम्फीबिया का, तो एग में यहां पे वेग वन एंड वेग टी होते हैं। सो एग में क्या होता है वेग वन एंड वेग टी, तो ये दो प्रोटीन्स होते हैं। एंड डॉर्सल साइड में जो एक्टिवेट हुआ है बीटा कैटेनिन, तो ये बीटा कैटेनिन यहां पे एक्टिवेट हुआ है। तो जहां पे भी हाई बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन होता है बीटा कैटेनिन प्लस यहां पे प्रेजेंट है वेग वन एंड वेग टी, ये तीनों मिला के एक्सएनआर का एक्सप्रेशन करते हैं। सो हाई एक्सएनआर एक्सप्रेशन, एंड एक्सएनआर जो होता है जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन। सो एक्सएनआर इज जीनोपस नोडल रिलेटेड प्रोटीन, एंड जहां पे भी एक्सएनआर का एक्सप्रेशन होता है वहां पे न्यूकोप सेंटर का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पे न्यूकोप सेंटर बनता है। तो न्यूकोप सेंटर ये हमेशा डॉर्सल एंड वेजिटल मोस्ट रीजन यहां पे फॉर्मेशन होता है जहां पे एक्सएनआर का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर हम फिगर डायग्राम से देखें तो यही मैं डायग्राम दिखाता हूं। सपोज दिस इज द डायग्राम, एंड इस डायग्राम में अगर फ्रॉग का अर्ली डेवलपमेंट देखे तो ये वाला जो रीजन होता है, तो यहां पे ये वाला जो रीजन है इसे बोलते हैं ग्रे क्रिसेंट रीजन। सो दिस इज ग्रे क्रिसेंट रीजन, एंड ये जो ग्रे क्रिसेंट है ये डिफ्यूज पिगमेंटेड रीजन है कि जो आफ्टर स्पर्म बाइंडिंग फॉर्मेशन हुआ है। देन दूसरा रीजन जिसे हम बोलते हैं न्यूकोप सेंटर, ये आधा डॉर्सल साइड का और आधा वेजिटल साइड का रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं
न्यूकुप सेंटर, एंड जो न्यूकुप सेंटर है इसके जो प्रॉपर्टीज है, न्यूकुप सेंटर ये डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है. सो दिस इज डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन, मतलब आधा डॉर्सल को है आधा वेजिटल साइड को है न्यूकुप सेंटर. सेकेंड ये मीसोडम एंड एंडोडम से बनता है. सो मीसोडम एंड एंडोडम सेल्स फॉर्म न्यूकुप सेंटर, मीसोडम एंड एंडोडम सेल्स फॉर्म करते. देन ये यहाँ पे हाई एक्सएनआर प्रोटीन होता है, तो जहाँ पे हाई एक्सएनआर प्रोटीन होता है वहां पे न्यूकुप सेंटर का डेवलपमेंट होता है. एंड नेक्स्ट दैट इज यहाँ पे इट इंड्यूस प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, तो ये इंड्यूस करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर. एंड यहां से प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस होता है, तो ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है. एंड जहां से भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इंड्यूस होता है वहां से गैस्ट्रुलेशन का इनिशिएशन होता है. सो दिस इज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर. एंड प्राइमरी ऑर्गेनाइजर जो न्यूकुप सेंटर इंड्यूस करता है वहां से ही इनिशिएशन होता है गैस्ट्रुलेशन का. सो इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, तो ये मेजर रोल है न्यूकुप सेंटर का एंड द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का. ये दोनों अलग अलग है. न्यूकुप सेंटर खुद डेवलप करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को एंड देन यहां से गैस्ट्रुलेशन होता है. एंड इसलिए फ्रॉग में अगर हम देखें तो फ्रॉग में जहां से गैस्ट्रुलेशन का इनिशिएशन होता है, कि अगर हम फ्रॉग में देखें तो ये जो डॉर्सल साइड है जहां से गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट होता है इस तरह से, इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं, जो फर्स्ट ओपनिंग फॉर्मेशन हुई. एंड ये जो ब्लास्टोपोर है फ्रॉग में एनस में कन्वर्ट होती है, मतलब जहां पे ऑर्गेनाइजर है, जहां पे ऑर्गेनाइजर है वहां पे ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है. एंड ये जो ब्लास्टोपोर से दिस ब्लास्टोपोर की जो फर्स्ट ओपनिंग है ये एनस में कन्वर्ट होती है. एंड जो सेकेंड ओपनिंग होती है दिस ओपनिंग की, जैसे आगे जाके गैस्ट्रुलेशन होगा तो ये इस तरह से गैस्ट्रुलेशन होगा. एंड यहाँ पे जो सेकेंड ओपनिंग होगी दैट इज कन्वर्टेड टू द माउथ, कि ये माउथ में कन्वर्ट होता है. तो फ्रॉग में मतलब जहां पे स्पर्म बाइंडिंग होती है वहां पे हमेशा माउथ का फॉर्मेशन होता है. एंड जहां पे ब्लास्टोपोर बनता है वहां पे हमेशा एनस का फॉर्मेशन होता है. सो ये मतलब फर्टिलेशन के बाद ही डिसाइड होता है कि स्पर्म जहां पे बाइंड होगा वहां पे माउथ बनेगा, तो ये एंटीरियर वेंट्रल साइड बनेगी. एंड जहां पे एनस बनेगा वो पोस्टीरियर डॉर्सल साइड फॉर्मेशन होगा. सो ये एक्सेस डिटरमिनेशन आफ्टर द स्पर्म बाइंडिंग दैट इज टेक्स प्लेस. सो दिस इज इन द फ्रॉग डेवलपमेंट की जो हमने डिस्कस किया. तो न्यूकुप सेंटर का रोल याद रखना, क्योंकि न्यूकुप सेंटर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. न्यूकुप सेंटर ये डॉर्सल मोस्ट एंड वेजिटल मोस्ट रीजन है, मीसोडम एंडोडम से बनता है एंड इट इंड्यूस द प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, कि ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है. सो दिस इज द फ्रॉग का अर्ली डेवलपमेंट हम डिस्कस करते. एंड यहाँ पे बीटा कैटेनिन का एक्टिवेशन होता है, जो बीटा कैटेनिन मेजर रोल प्ले करता है. नाउ सपोज आपको समझ में आया नहीं, ये देखते सपोज अगर बीटा कैटेनिन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, अगर बीटा कैटेनिन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो साइड कैसे फॉर्मेशन होंगे, तो साइड कैसे फॉर्मेशन होंगे. एंड सपोज GSK3 लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो साइड कैसे फॉर्मेशन होंगे. यस, बीटा कैटेनिन में लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो साइड कैसे फॉर्मेशन होंगे, कहां पे कौन सी साइड बनेगी बीटा कैटेनिन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो बीटा कैटेनिन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो यहां पे भी वेंट्रल साइड फॉर्मेशन होगी, यहां पे भी वेंट्रल साइड, क्योंकि बीटा कैटेनिन नहीं है तो डॉर्सल साइड नहीं बनेगी, तो ये भी वेंट्रल बनेगी एंड ये भी वेंट्रल, तो बोथ साइड दे कन्वर्टेड टू द वेंट्रल साइड. एंड अगर GSK3 में लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो दोनों साइड यहां पे फॉर्मेशन होंगे डॉर्सल साइड में. सो बोथ साइड कन्वर्टेड टू द डॉर्सल साइड. एंड डॉर्सल साइड मतलब यहां पे दोनों भी साइड से गैस्ट्रुलेशन होगा. एंड अगर दोनों भी साइड से गैस्ट्रुलेशन होता है तो दोनों साइड से एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, तो इसे बोलते हैं सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन.
तो ये सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन एंड GSK3 लॉस ऑफ फंक्शन, और इसे हम डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन बोल सकते हैं। सो डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म ऑफ GSK3। अगर डोमिनेंट नेगेटिव फॉर्म है GSK3 का, तो वहां पे सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन मतलब दोनों डॉर्सल बनना, एंड दोनों साइड में क्या हो जाता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, एंड दोनों साइड से गैस्ट्रुलेशन हुआ तो सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन होता है। तो ये म्यूटेशंस को याद रखना, क्योंकि बहुत बार म्यूटेशन ही पूछे जाते हैं। बीटा कैरोटीन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो दोनों वेंट्रल बनेंगे, क्योंकि दोनों साइड बीएमपी एक्टिव रहेगा, एंड यहाँ पे बीएमपी दोनों साइड में एक्टिव रहा तो दोनों साइड वो वेंट्रल बना देगा। तो ये इस तरह से दोनों साइड वेंट्रल बनेंगे, एंड दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे जब दोनों साइड में बीटा कैरोटीन एक्टिव रहेगा। देन यहां पे डिफरेंट प्रोटीन्स ऑर्गेनाइजर में सीक्रेट होते हैं। सो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, तो यहां पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और इसे हम स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। एंड यहां पे डिफरेंट प्रोटीन्स का सीक्रेशन होता है। सो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर और स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर, हियर देर इज द सिक्रीशन ऑफ सर्टन सिक्रीटेड प्रोटीन। तो कुछ सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते एंड सम न्यूक्लियर प्रोटीन्स। तो सम आर द सिक्रीटेड प्रोटीन, कि कुछ सिक्रीटेड प्रोटीन होते एंड सम आर द न्यूक्लियर प्रोटीन। नाउ यहां पे जो सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं, सिक्रीटेड प्रोटीन्स में हियर देर इज द नॉगिन, कॉर्डिन, फॉलिस्टेटिन, सोनिक हेजॉग, ये सारे सिक्रीटेड प्रोटीन है, एंड नोडल रिलेटेड प्रोटीन दे आर प्रेजेंट। तो ये सारे सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स में यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे सीएमओएस, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्विन, देन गुस्क्वाइड, ओटीएक्स, तो दीज आर द ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो सम आर द सिक्रीटेड प्रोटीन्स एंड सम आर द न्यूक्लियर प्रोटीन्स, कि कुछ सिक्रेटेड प्रोटीन्स होते एंड कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते जो यहाँ पे काम करते हैं। नाउ सबसे ज्यादा नॉगिन के रोल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो नॉगिन रोल, तो नॉगिन जो है दिस इज द डॉर्सलाइजिंग फैक्टर। नॉगिन डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है, ये डॉर्सलाइजिंग फैक्टर है मतलब डॉर्सल साइड फॉर्मेशन करता है। नॉगिन इट इनिबिट बीएमपी, ये बीएमपी को इनिबिट करता है। देन नॉगिन कैन कन्वर्ट डॉर्सल एक्टोडर्म टू न्यूरल टिश्यू, ये न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट करता है, मतलब नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन नॉगिन करता है। एंड अगर सपोज हमारे पास वन सेल यूवी इरेडिकेटेड एम्ब्रियो है, सो वन सेल एम्ब्रियो को हमने यूवी इरेडिकेट किया, सो दिस इज वन सेल यूवी इरेडिकेटेड एम्ब्रियो। तो यूवी इरेडिकेटेड एम्ब्रियो है वन सेल स्टेज का, एंड इसमें अगर हमने नॉगिन ऐड किया, सो एडिशन ऑफ नॉगिन, तो जैसे हम नॉगिन ऐड करते तो यहां पे नॉगिन ऐड करने के बाद हियर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल एम्ब्रियो। तो यहाँ पे नॉर्मल टैडपोल या नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। सो हियर देयर इज द
नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म। तो अगर वन सेल स्टेज यूवी इरेडिकेटेड एम्ब्रियो है, इसमें अगर हम नॉगिन ऐड कर दे तो नॉगिन नॉर्मल डेवलपमेंट करता है, इसे नॉर्मल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब नॉगिन कैन रेस्क्यू द डेवलपमेंट एंड यहां पे नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। सो दिस इज द रोल ऑफ द नॉगिन। एंड दूसरा, अगर यहां पे हम स्पीमन एंड मैनगोल्ड का एक्सपेरिमेंट देखें, तो स्पीमन एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट, तो स्पीमन एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट में हियर अगर हम दो एम्ब्रियोज ले, सपोज हमने दो एम्ब्रियोज ले, एक जो एम्ब्रियो था ये टी टेमिटस का है, एंड एक जो एम्ब्रियो है ये टी क्रिस्टेटस का है। एंड ये टी टेमिटस का जो एम्ब्रियो है ये पिगमेंटेड एम्ब्रियो है, सो दिस इज द पिगमेंटेड एम्ब्रियो। एंड टी क्रिस्टेटस का जो एम्ब्रियो है दिस इज नॉन पिगमेंटेड एम्ब्रियो, तो ये पिगमेंटेड है, सो दिस इज पिगमेंटेड एम्ब्रियो एंड दिस इज नॉन पिगमेंटेड। एंड हमने अभी क्या किया कि अभी दोनों के पास अपनी डॉर्सल लिप थी, तो यहाँ पे एक डॉर्सल लिप का रीजन है एंड यहाँ पे एक डॉर्सल लिप का रीजन है, ओके, क्योंकि दोनों भी नॉर्मल एम्ब्रियो है, यहाँ पे डॉर्सल लिप है एंड यहाँ पे भी डॉर्सल लिप है, मतलब ये डॉर्सल साइड की जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम डॉर्सल लिप को रिमूव करते हैं एंड डॉर्सल लिप रिमूव करने के बाद यहां से ये डॉर्सल लिप फिर से हम यहां पे ट्रांसफर करते हैं, तो अभी दोनों साइड डॉर्सल लिप प्रेजेंट है, अभी दोनों साइड डॉर्सल लिप प्रेजेंट है एंड इस एम्ब्रियो को अगर हम डेवलपमेंट के लिए प्रोसीड करें तो डेवलपमेंट कैसे होगी। तो अगर इस एम्ब्रियो में यहाँ पे दोनों भी साइड में डॉर्सल लिप है तो दोनों साइड डॉर्सल बनेंगे, ये भी साइड डॉर्सल बनेगी, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी। So there is the development of embryo. तो ये जो embryo के development होंगे वो इस तरह से होंगे। So here कि दोनों भी embryo के cells present होंगे, एक होगा pigmented embryo के cells and एक होंगे non-pigmented embryo के cells। तो इसे बोलते हैं formation of two embryos. एंड ये कनेक्टेड होंगे कॉमन वेंट्रल साइड से, सो दिस इज द कॉमन वेंट्रल साइड, इसे सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन भी बोलते हैं, करेक्ट, सो दिस इज कॉमन वेंट्रल साइड। सो वेंट्रल साइड जो है वो कॉमन है एंड कॉमन वेंट्रल साइड है, दैट इज बेली साइड कॉमन है एंड इसे सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन बोलते हैं, सो सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन, सो दिस इज द सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एक्सपेरिमेंट स्पीमन एंड मैनगोल्ड ने किया था एम्ब्रियो पे, एंड सिंपल अगर हम यहां पे देखें तो सपोज हमने एक एम्ब्रियो लिया, ओके, ये नॉर्मल एम्ब्रियो है जहां पे ये डॉर्सल साइड है एंड ये वेंट्रल साइड है, एंड कॉमन एम्ब्रियो में ये डॉर्सल साइड थी नॉर्मल एम्ब्रियो एंड वेंट्रल साइड है, एंड वेंट्रल साइड में हमने नॉगिन को ऐड कर दिया, तो हमने क्या किया
नॉगिन वेंट्रल साइड में ऐड किया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सेम आएगा। अगर हम नॉगिन को अगर वेंट्रल साइड में ऐड करते तो वहां पे भी सेकेंड एक्सिस का ही फॉर्मेशन होगा। ओके, सो हियर ऑल्सो रिजल्ट इन टू ये जो एम्ब्रियो है, अगर डॉर्सल साइड नॉर्मल है, यहां पे नॉर्मल बीटा कैरोटीन इनएक्टिव है, एंड वेंट्रल साइड में भी हमने नॉगिन डाल दिया, तो इसका रिजल्ट भी सेम आता है, सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन। तो ये सारे एम्ब्रियोज एंड उसके एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किए, जो अर्ली डेवलपमेंट में हमने डिस्कस किया, जैसे सी एलिगेंस हो सकता है, सी अर्चिन हो सकता है, एंड फ्रॉग हो सकता है। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया। सो ये स्पीमंस एंड मैनगोल्ड का एक्सपेरिमेंट, अगर दोनों भी साइड अगर डॉर्सल लिप प्रेजेंट होगी तो दो वहां पे भी सेकेंड एक्सेस का फॉर्मेशन होता है, एंड अगर आप वेंट्रल साइड में भी नॉगिन डालो तो भी वहां पे सेकेंड एक्सेस का फॉर्मेशन होता है। सो दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं। ये समझ में आया? यस। एंड गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग में, तो यहां तक लेक्चर कैसे लगा आपको ये मुझे बताना। सो यहां तक आपको क्लास कैसे लगा? देन यहां पे गैस्ट्रुलेशन में यहां पे इनवेजिनेशन होता है, सो इनवेजिनेशन एंड इनवोल्यूशन एंड एपिबोली। सो इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन दैट इज ऑकर इन द बॉटल सेल्स, ये डॉर्सल साइड में होता है। सो ये डॉर्सल लिप फॉर्मेशन करते बॉटल सेल्स की, जो इनवेजिनेशन करते। सेकेंड देर इज द इनवोल्यूशन, दीज आर द मीसोडम सेल्स, कि ये मीसोडम सेल्स में होता है। एंड देन देर इज द एपिबोली, ये एक्टोडम सेल्स में होता है। सो एपिबोली इन द एक्टोडम सेल्स। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। ओके, क्योंकि आपको ये लेक्चर्स बार बार देखने को भी मिलेंगे। लेक्चर को लाइक करोगे तो लेक्चर बाद में भी आप देख सकते हो। ओके, सो एक क्लास कैसे लगा मुझे बताना। एंड एक बार यहां तक समझ में आए सब? यस। सो देखिए, मैं लास्ट, आपका लास्ट चांस है ये कि आज वैलिडिटी खत्म होने वाली है, तो लास्ट कि जो भी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल लेना है तो अभी के अभी ऑर्डर कर दो, क्योंकि अभी 7 बज चुके हैं। तो ये 699 में आपको मिलेगा लाइफ साइंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ओके, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एंड मैं नहीं चाहता कि ये आपके हाथ से जाए। इवन टेस्ट सीरीज क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑनलाइन सीएसआर के एग्जाम्स देने हैं तो आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो, टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज में कहाँ पे भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज है ये कि जो 99 रुपीज में। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट जिनको लाइफ साइंस की टेस्ट सीरीज लेनी है, या जिनको गेट बायोटेक्नोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेनी है, या गेट लाइफ साइंस की टेस्ट सीरीज लेनी है, या आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज लेनी है, या गेट की, या सीएसआर नेट की, 99 में कहां पे भी नहीं मिलेगी। एंड 99 में सारे टेस्ट मिल रहे हैं। तो देखो, टेस्ट सीरीज को ले लो, उसको यूज करो, उसको पेपर को सॉल्व करो ऑनलाइन, आपकी ऑनलाइन टेस्ट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम्स आपको बहुत सिंपल जाएंगे। एंड इवन आपका मतलब रिकॉर्डेड मतलब टेस्ट के डिस्कशन भी आपको मिलेंगे कि जो रिकॉर्डेड होंगे। इसलिए आप जरूर लेना टेस्ट सीरीज, 99 रुपीज कुछ भी नहीं है। एंड आप टेस्ट सीरीज का जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना लेना। देखो, आज ही का दिन है कि जो आप ले सकते हो, कल से टेस्ट सीरीज का प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। एंड आज रात के 12 बजे के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड इसलिए आज ही लेना, टेस्ट सीरीज लेना एज वेल एज स्टडी मटेरियल के ऑर्डर आज ही डाल देना। ओके, सो थैंक यू ऑल। एंड जो भी स्टूडेंट को आईआईटी जैम का रिकॉर्डेड क्लास लेना है, तो रिकॉर्डेड क्लास ये 499 रुपीज में, देखो 499 रुपीज में आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हो। तो ये भी
आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, इसलिए चाहे आप टेस्ट सीरीज लो, मैं तो चाहता हूं आप टेस्ट सीरीज भी लेना एंड क्लास भी लेना, क्योंकि दोनों का आपको बेनिफिट मिलेगा। टिल एग्जाम, आप एग्जाम तक आप उसको यूज कर सकते हो, आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड डिस्कशन को देख सकते हो, मतलब आपकी रिविजन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू ऑल, एंड आपको क्लास कैसे लगा वो जरूर बताना, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू, एंड आपको क्या क्लास कैसे लगा वो जरूर बताना।